गाइस वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या दिखने वाले, लव ऑफ अर्तुरुल गाजी। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी, इतने दिनों बाद लाए हैं वीडियो। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी टॉप 5 डायलॉग करो अर्तुरुल के, हमने कहा क्यों नहीं देखते हैं। और इस वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके वीडियो इधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। और अर्तुरुल के फैन इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो लाजमी, और कमेंट करके अपनी अगली वीडियो के बारे में बताएं कौन सी होनी चाहिए। चलो वीडियो देखते हैं, हाउ वी गो, लेट्स सी। टॉप 5 डायलॉग या ये म्यूजिक फेवरेट है मेरा। नंबर 1, तैयारी कर ली आपने? सिपाही हमेशा तैयार रहता है। ख्याल रखिए, मेरी दुआएं साथ हैं आपके। हर मुश्किल आसान हो आपकी, खैरियत से जाएं आप और खैरियत से वापस आए, कामयाबी मुकद्दर हो आप। और अब से ये जिंदगी अपनी आपकी अमानत समझकर गुजारूंगी, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि मेरा सब कुछ आप है। जिस जिंदगी को तुमने अमानत कहा उसमें कभी खयानत नहीं देखोगी। तो मैंने रूह की गहराइयों तक तुमसे मोहब्बत की है नीमा सुल्तान। मेरी मौत पर आंसू न बहाना, आखिरी सांसों तक मेरे दिल में सिर्फ अल्लाह की शहादत है, और दूसरी चीज तुम्हारी मोहब्बत है। अगर तुम चले गए तो ये दुनिया मेरे लिए कफन बन जाएगी। अर्थ एक एक पल तुमसे मिलने की दुआ करूंगी। मैं लौट के और मरते दम तक मेरी सांसों में तुम बसे होगे। दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोचती है अक्तुल के लिए। इंसान समझता है कि सब कुछ उसके इख्तियार में है, यही भूल है उसकी। लेकिन करे भी तो क्या, आखिर किससे उम्मीद लगाए। कभी दौलत के पीछे भागता है तो कभी शोहरत के पीछे। नादान है, नहीं जानता कि यह सब कुछ बेमानी और फना हो जाने वाला है। जानते हो कि कुल्हाड़ी कैसे बनाई जाती है? जी हां, अच्छी तरह फौलाद को खूब जर्ब लगाकर, चोट मारकर इस शक्ल में डाला जाता है। इसी तरह कान को, दांत को और चमड़ा सास खाल को बनाता है। क्या समझे? ये बावकार लिबास जो तुमने ज़ेबतन किया हुआ है, अगर ये चमड़ा सख्त मराहिल तय न करे तो कुछ नहीं। इसी तरह अगर ये तुम्हारी तलवार आग में न डाली जाए तो फिर सिर्फ ये लोहे का टुकड़ा है। बिल्कुल इसी तरह अर्तुरुल, अगर तुम इन आजमाइशों की भट्टी से न गुजरते तो फिर तुम क्या होते? बात सिर्फ मेरी आजमाइशों की हद तक नहीं है, मेरे दोस्त अहबाब, जंगजू साथी, खानदान और मेरे कबीले वाले, मेरा साथ देने वाले शहाबुद्दीन, ये सब मेरी वजह से अजियतें झेल रहे हैं। कोई एक बोझ नहीं सीने पर, डूना सोचू। ये दुनिया एक मदरसा है मेरे बेटे, और हम सब तालिबे इल्म हैं। मुअल्लिम सिर्फ एक साथ है, हक ताला, वो जिसका जैसे चाहता है वैसे ही इम्तिहान लेता है, और अपने खास बंदों को उस इम्तिहान के जरिए कुंदन बनाता है। हर किसी को अपना अपना इम्तिहान देना है। अल्लाह हर इम्तिहान के बाद तुम्हें इनाम देगा, ये यकीन रखो। उस रब का बरगुजीदा बनना सहल नहीं, डटे रहोगे तभी याद रखे जाओगे। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठना भी इम्तिहान है,
अल्लाह तवक्कुल को पसंद करता है, तुम्हें भी उस रब की जात पर तवक्कुल रखना है। अंधेरे में कामयाबी के हुसूल तक रास्ते की तलाश की कोशिश में रहना और उस जात पर यकीन रखना ही निशानी है मोमिन की। तो इगर को हर कीमत पर शहजादा चाहिए बाबा, ये उसकी कमजोरी है और इसी का फायदा उठाएंगे हम। ओके, चाल बनाते हैं। अगर हम कामयाब ना हो सके, अर्तुरुल कामयाब होएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर तो एक ही रास्ता बचता है बाबा, तलवारों के साए में शहादत की मौत हमारा नसीब होगा। तो कैसी लगी आपको डायलॉग इनके? यार बेस्ट डायलॉग्स थे और बहुत अच्छे थे, और मतलब के बहुत ही हैवी डायलॉग्स थे, मतलब के समझने के लिए बहुत डीप जाना पड़ेगा और मज़ा आ गया इस वीडियो का। आप भी कमेंट करके बताएं अर्तुरुल आपका फेवरेट है कि नहीं, लाजमी बताना, और आप लोग कौन से सीजन पे अर्तुरुल के, ये भी बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।